सो गाइज आप लोगों का भी एक यूट्यूब चैनल है और आप लोग भी अपने मोबाइल की हेल्प से ही वीडियोस को एडिट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टूल के बारे में जिस ऐप को आप लोग यूज करके अपनी वीडियोस जो है वो इजीली एडिट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज करते होंगे, जैसे कि हमारे पास काइनमास्टर है या हम लोग पावर डायरेक्टर की बात करें तो उनके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऑलरेडी मिलते हैं। बट जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ऐप के अंदर आप लोगों को उनसे ज्यादा फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ खास है इस ऐप के अंदर वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और कैसे आप लोगों ने इस ऐप की हेल्प से एडिटिंग वगैरह करनी है वो सारी चीजें आप लोगों को आज की इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं गाइस कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए मैं आ गया हूं यहां पे अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस ऐप का नाम मैं आपको बता दूं, तो उस ऐप का नाम है यूकट। ये ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाएगा। इसको आप लोगों ने किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग इस तरह से प्ले स्टोर में चले जाएंगे तो यहां पे आप लोगों ने ऊपर लिख देना है YOUCUT कट। तो ये जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो देखिए ऊपर टॉप पे ही मेरे पास ये आ गया। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको ओपन करना है। तो मैं इसको ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के लिए आप लोगों ने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गाइस नीचे आप लोगों को प्लस का साइन आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस वीडियो को आप लोग एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो वीडियो आ रही है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे देखिए आपको एरो का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और ये वीडियो आपकी यहाँ पे एडिट होने के लिए इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, म्यूजिक का है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है वो है फिल्टर का, इफेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन आप लोगों को आ जाता है, स्टिकर का आ जाता है, PIP का आता है, यानी जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और लेयर वीडियो ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर तो वो आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग किसी वीडियो की स्पीड कहीं पे इंक्रीज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड आप लोग चेंज करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक स्टिकर्स वाला ऑप्शन है जो कि मैंने कभी भी पावर डायरेक्टर में या काइनमास्टर में नहीं देखा है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई स्टिकर जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इमोजीज जो है आप लोग वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इमोजीज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए बहुत ही इफेक्टिव इमोजीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये इमोजी आपको कोई भी यहाँ से लेके सेलेक्ट करके इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर हम लोगों ने देखा है कोई फनी वीडियोस में हम लोगों को कहीं पे कोई इमोजी लगाना है या हमें कोई स्टिकर वगैरह इंसर्ट करना है तो वो यहाँ से हम लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग म्यूजिक लगाना चाहते हैं या कोई इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे फिल्टर जैसा कोई ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। इनमें से जो भी फिल्टर आप लोगों को सही लगता है, अच्छा लगता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं ये वाला फिल्टर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और ये वाला चूज कर लेता हूँ, तो जो फिल्टर आपको सही लगता है वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर चूज करने के बाद आप लोग बैक आ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पीड का ऑप्शन आ रहा है और वॉल्यूम, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो को रोटेट करूँ तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन जो हैं आप लोगों को इस ऐप के अंदर मिल जाते हैं जो आप लोगों को काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर के अंदर नहीं मिलते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को इस वीडियो के हेल्प से अच्छे से पता चल गया होगा कि हम लोग यूकट मोबाइल को ऐप को जो है वो किस हिसाब से आपने यूज़ करना, क्या न्यू फीचर्स आप लोगों को इस ऐप के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस ऐप के ऊपर फुल न्यू वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको पूरी इस ऐप के डिटेल वगैरह एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर जो है एक न्यू वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।